सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक अनबॉक्सिंग। जी हाँ, हमारे चैनल पर अनबॉक्सिंग करे बहुत टाइम हो गया था, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक चीज की अनबॉक्सिंग की जाए। वो जो प्रोडक्ट है जिसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है ये। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बोया का माइक है जो कि अमेजोन से परचेस किया है। क्योंकि फ्रेंड्स, हर कंटेंट क्रिएटर या फिर हर यूट्यूबर हम कह सकते हैं, वो क्या चाहता है कि बेहतर से बेहतर ऑडियो क्वालिटी वो अपनी ऑडियंस को दे। तो वैसे ही मैं भी यही चाहता हूँ, मेरा भी यही मानना है कि आप लोगों को बेहतर ऑडियो क्वालिटी जो है वो वीडियोस के अंदर मैं दे पाऊँ। तो इसीलिए मैं भी काफी टाइम से, हम क्या है, पहले रिव्यूज वगैरह देखते हैं यूट्यूब पर भी और दूसरी वेबसाइट पर भी हम रिव्यू देखते हैं कि कौन सा माइक बेस्ट रहेगा यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने के लिए, जिसमें नॉइस कैंसलेशन भी मिले आपको और एक बेटर ऑडियो क्वालिटी आप आउटपुट में निकाल सके और लोगों को जो है वो अपनी ऑडियंस को बेटर ऑडियो क्वालिटी दे सके। तो मैं भी काफी टाइम से जो है वो इसमें रिव्यूज वगैरह देखे, मैंने बहुत सारे भी रिव्यूज देखे, करीबन जब मैं क्रिएट नहीं करता था वीडियोस वगैरह उसके पहले भी मैंने देखे थे। लेकिन अभी तक तो मैं अपने जो मोबाइल का इंटरनल माइक होता है, या फिर कभी कभी मैं अलग से दूसरे मोबाइल में रिकॉर्ड करता हूँ, मतलब वीडियो इसमें एक मोबाइल में करता हूँ और ऑडियो दूसरे मोबाइल में रिकॉर्ड करता हूँ, इस तरीके से हम ट्राई कर रहे थे, अभी तक बनाते आए वीडियो। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना बोया के माइक को भी ट्राई किया जाए और आपको भी उसके बारे में रिव्यू दिया जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पूरा अनबॉक्सिंग और उसके एंड में हम उसका रिव्यू बताएंगे कि हमको ये का जो है वो आउटपुट कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, अभी जो है आप ऑडियो सुन रहे हैं ये मेरे मोबाइल के इंटरनल माइक से ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी, और बाद में मैं आपको बोया का माइक से रिकॉर्ड करके भी बताने वाला हूं, तो आप उसकी दोनों का जो डिफरेंस है वो जरूर देखिएगा, वो आप चेक कर पाएंगे। और जो बोया का मैं आपको ऑडियो क्लिप यहाँ पे सुनाने वाला हूँ, उसको बिल्कुल भी हम एडिट नहीं करेंगे, जैसा बिल्कुल स्टैंडर्ड वो हम कैप्चर करेंगे वही हम लगा देंगे इसके अंदर, ताकि आप अच्छे से जज कर पाए ऑडियो क्वालिटी को और दोनों में आप डिफरेंस को आपको पता लग जाएगा। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो आप ये ऑडियो सुन रहे हैं, अभी ये मैं अपने वन प्लस के मोबाइल का जो वॉइस रिकॉर्डर था उससे अब अनबॉक्सिंग करते हुए आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अपने बोया के माइक की, जो कि हमने अमेजोन से ऑर्डर किया है। तो अगर आप भी ये ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। पहले इसको सीजर की जरूरत पड़ेगी हमें इसको कट करने के लिए। अब देखिए, इसके अंदर से हम इनवॉइस मिल जाता है, हमको बिल मिल जाता है यहाँ पर इसका। ये करीब मुझे 779 रुपीस का पड़ा है, अभी कुछ ऑफर्स चल रहे थे इसलिए कम में मिल गया है मुझे, नहीं तो आराम से ये 1000 रुपए के ऊपर मिलता है। चलिए इसके बॉक्स को निकाल लेता हूँ मैं फटाक से बाहर। ये हमने इसका बॉक्स जो है वो बाहर निकाल लिया है, बाकी चीजों को हम साइड में रख देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बोया BY-M1 माइक हमारे पास है, कॉलर माइक या लेवल लेयर माइक भी बोलते हैं, माइक्रोफोन बोलते हैं इसको। यहाँ इसका फ्रंट से देख सकते हैं आपको जिस तरीके से दिखता है, यहाँ पर आपको स्क्रैच कोटिंग दी हुई है, इसको स्क्रैच करके आप इसकी ऑथेंटिसिटी पता कर सकते हैं ऑनलाइन। सुपर्ब साउंड फॉर प्रेजेंटेशन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग, ये कुछ यहाँ पर लिखा है। कंपेटेबल विथ मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप, कैमरा, GoPro, इन सब के साथ कंपेटेबल होता है ये। यहाँ साइड में भी BY-M1 की ब्रांडिंग है और स्मार्टफोन कैमकॉर्डर, DSLR, ऑडियो रिकॉर्डर, इन सब के लिए सपोर्ट करता है। यहाँ पे सारे इसके फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे बैक साइड में, और इस साइड में भी आपको जो है वो ब्रांडिंग मिलती है। और यहाँ से इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, ऐसे कुछ पाउच के अंदर ये आता है हमारा जो माइक है। तो इसको यहाँ पे अभी रखते हैं, हम अंदर भी देखते हैं और क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका यूनिवर्सल जो है गाइड मिल जाता है, बोया माइक को यूज करने का गाइड, और इसके अंदर क्या मिलता है देखते हैं। ये वारंटी कार्ड कुछ मिल जाता है और बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर, पाउच के अंदर यहाँ पे सारी चीजें आपको मिलेगी। तो हम यहाँ से सारी वन बाय वन सब चीजें निकाल लेते हैं। तो ये हमारा जो है वो बोया माइक BY-M1 यहाँ पर रखते हैं और भी देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। और ये देखिए, आपको एक कनेक्टर और जो नॉइस फिल्टर और इसका क्लिप ऑन जैक जो है वो मिलता है इसके अंदर। यहाँ पर ये कुछ चॉकलेट जैसा है लेकिन इसको खाते नहीं, सिलिका है ये। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइप के कुछ 20 फीट की केबल के साथ आता है, यहाँ पर भी क्लिप लगा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर बटन दिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं आप। ये हमारा 3.5 mm जैक के साथ आता है और काफी लंबी केबल है, यहाँ देख सकते हैं 20 फीट काफी लंबी केबल होती है। और ये रहा यहाँ पर माइक हमारा, इसके अंदर अभी हमें वो लगाना होगा नॉइस फिल्टर जो होता है इसका। और इसके अंदर अभी हमें सेल भी डालना होगा, पॉलीथीन के अंदर, छोटी पॉलीथीन के अंदर सेल रखा है। और यहाँ देख सकते हैं बटन दिया हुआ है, अगर कैमरा स्मार्टफोन में यूज कर रहे हैं तो आपको नीचे ऑफ की तरफ रखना होता है, और कैमरा वगैरह DSLR में तो ऊपर ही करना होगा, स्विच करना होगा ऊपर की तरफ। अब इस पैकेट के अंदर देखते हैं हम क्या क्या है। ये सारी जो चीजें हैं वो निकाल ली हमने यहाँ पर। ये इसका क्लिप है, आप कॉलर में लगा सकते हैं इसको, अगर कॉलर में आप लगा के यूज करना चाहते हैं तो इस टाइप से क्लिप आपको लगाना होगा। अभी लगा कर भी बता दूंगा मैं आपको बाद में। और ये रहा इसका नॉइस फिल्टर जो कि माइक के ऊपर लगता है, ये कवर करता है उसको। ये हम लगा देते हैं यहाँ पर, देखिए इस तरीके से लगाना है कुछ। ये कनेक्टर है जो ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह या दूसरे डिवाइसेस में कनेक्ट करना चाहते हैं इस माइक को, तो ये कनेक्टर आपको लगाना पड़ता है। और यहाँ देख सकते हैं एक सेल भी है हमारे पास, ये सेल आपको लगाना पड़ेगा इस बोया माइक का जो सेंटर पॉइंट दिख रहा है वहां पर इसको लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इसका सेल हमको लगाना होगा, तो सेल को भी निकाल लेते हैं हम।
इसका प्लस या प्लस माइनस देख के आपको लगाना है। यहाँ अंदर भी आप मार्किंग देख सकते हैं, प्लस किधर है माइनस किधर है, उसको आप देख के यहाँ पर लगा दीजिए, इसको लगा सकते हैं। इसको पैक कर देते हैं वापस। देखिए क्लिप भी हम लगा देते हैं इसके साथ में। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने कुछ सेटअप कर लिया है हमारे बोया माइक को। सो फ्रेंड्स अब से आप जो ये ऑडियो सुन रहे हैं ये आप ये बोया के माइक से सुन रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये मैंने कॉलर पे लगा लिया है यहाँ पर। तो अब आप इसको सुन सकते हैं कि इसकी क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, नॉइज़ कैंसलेशन हो रहा है कि नहीं, नॉइज़ तो नहीं आ रही है, क्योंकि इसकी जो पूरी आप क्लिप हम डालेंगे वीडियो के अंदर इसको बिल्कुल भी एडिट नहीं करेंगे हम, बिल्कुल बिना एडिट करे आपको यहाँ पर आप ये सुन रहे हैं, कोई भी एडिटिंग हमने इसमें नहीं की है। तो आप कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी लग रही है। और पहले जो इसके पहले हम मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मोबाइल में और इसमें आपको क्या डिफरेंस कुछ नज़र आ रहा है तो इसमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं हमें। और इसका मेरी तरफ से रिव्यू जो है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मुझे एक्चुअल में क्या लगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में ये आपको ही कमेंट करके बताना है कि आपको ये ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है बोया के माइक की। और अगर आप ये बोया माइक परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।